अगर मैंने रागिनी को गलत प्रूफ कर दिया तो अपनी झूठी बहन को मेरी जिंदगी से धक्के मार के निकालने में तुम मेरी मदद करोगे। और उसके बाद तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आना होगा और एक वादा मैं करता हूं, अगर रागिनी को मैं गलत साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने पूरे दिल से रागिनी को अपनाऊंगा, उसे वो हक दूंगा जो एक पत्नी को मिलने चाहिए, ना कोई शिकायत करूंगा ना ही कोई बहस। करो वादा। देखा स्वरा, कहना बहुत आसान होता है कि हम किसी पर विश्वास करते हैं, पर उस विश्वास को दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी पहली शर्त मैं मान सकती हूं, उसके लिए वादा भी कर सकती हूं, पर तुम्हारी जिंदगी में फिर से आना मुझे मंजूर नहीं है लक्ष्य। इट्स इम्पॉसिबल। और हाँ, शायद मैं रागिनी के लिए तुमसे वादा कर भी लूं, पर पता है क्या, ये सारी जो बातें कर रहे हो ना तुम, ये सब तुम्हारा बचपना है, बचपना। और मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे कोई वादे नहीं करने तुम्हारे साथ। ओके फाइन स्वर, पर एक बात तुम भी सुन लो, चाहे कितने भी साल बीत जाए पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry, तेरी बहन को मेरी जरूरत है। स्वरा, रागिनी से जुड़ा तुम्हारा यकीन मैं तोड़ कर रहूंगा, उसके बाद तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आना पड़ेगा। देखकर नहीं चला सकते क्या? बहुत चिल्लाती है। स्वरा, मालूमी जी और भी क्या रुकी, यह सिंदूर गिरा हुआ है, हम अभी उठा देते। नहीं रागिनी, गिरा हुआ सिंदूर नहीं उठाते, गिरा हुआ सिंदूर उठाना अच्छा नहीं होता। परमा, ये तो बहुत अशुभ संकेत है ना, और फिर आज हमारा पहला करवा चौथ है और हमारे हाथ से सिंदूर गिर गया। हमें बहुत चिंता हो रही है, कहीं लक्ष्य को कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, रुक।
स्वरा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। किसी ने तुम्हें हाथ भी लगाया ना, उसकी जान ले लूंगा मैं। रिलैक्स रिलैक्स। अरे आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते। और बताइए, ये बात है, काफी चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा है आपका। अच्छा, प्यास और भूख काफी लग रही होगी ना? बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, चक्कर आ रहे हैं। मारे में तो पता नहीं आज के दिन कैसी शक्ति आ जाती है ना। मारे को प्यास लगती है ना, भूख ना चक्कर ना वक्कर कुछ ना होता है। हाँ, अरे सच बता रही हूँ कि चांद भी सुबह निकले ना तो कोई दिक्कत ना है। इस व्रत में तो भूख के बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, मतलब ध्यान में लाना ही नहीं चाहिए। माँ लक्ष्य अभी तक आए नहीं, हमें बहुत चिंता हो रही है। डरने की कोई बात नहीं है, आ जाएगा। लेकिन स्वरा कहाँ है? स्वरा भी दिखाई नहीं दे रही। माँ स्वरा आ गई, पर वो बाहर से क्यों आ रही है? कहीं बाहर गई थी क्या? पता नहीं। क्या हुआ स्वरा? संस्कार, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितना रिलीफ महसूस हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर गई थी तब मेरी सोना माँ ये ले, तेरी सास के लिए बायना। और सुन, तू ठीक है ना? जी। अरे शर्मिष्ठा, छोरी ने पहली बार व्रत रखा है, ये थोड़ा अजीब तो होगा ही ना? मैं आती हूँ। नमस्ते स्वरा, कहाँ चली गई थी तुम? बड़ी माँ वो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाओ और तैयार होके आ जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? जाओ। बड़ी माँ, ये आपके लिए। खुश रहो। बड़ी माँ, मैं ये बायना मॉम को देकर आती हूँ। आप आइए ना, आइए। मॉम, ये माँ ने बायना दिया है। अच्छा सुन, तूने के सच में करवा चौथ का व्रत रखा है? जी। चलो, अब जो तूने व्रत रख ही लिया है तो
भगवान थारे को आशीर्वाद दे, शक्ति देखी अच्छे से व्रत पूरा कर पाए। खुश रहो। अब मॉम, मैं तैयार होकर आती हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, पर अचानक से किसी ने मुझे स्वरा, प्लीज हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज घर में बहुत मेहमान हैं और हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी दूरियों के बारे में कोई शक हो, इसलिए प्लीज हमसे दूर ही रहो और जाके तैयार हो जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। स्वरा, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो मैं हूं। संस्कार बेटा, यहाँ आओ। जी जी बड़े पापा, मैं आया। तुम जाओ, बड़े पापा तुम्हें बुला रहे। नमस्ते। माँ, हमारा बायना कहाँ है? हमें माँ और चाची जी को देना है। हम माँ और चाची जी को देके आते हैं। लक्ष, कहाँ गए थे तुम? अब माँ, वो मुझे पता है कि तुम रागिनी के साथ वक्त नहीं बिताना चाहते थे, इसीलिए उसे छोड़कर चले गए। मुझे आदर्श ने बताया था कि तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं था, लेकिन तुम गए कहाँ थे? भगवान, अगर लक्ष्मी माँ को बता दिया कि हम गायब हो गए थे तो? माँ, वो क्या हुआ कि? माँ, वो हमने आपसे कहा था ना कि लक्ष्य को एक जरूरी कॉल आ गया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। लक्ष, आपने कितनी देर लगा दी। चलिए कोई बात नहीं, आप जाके तैयार हो जाइए, चांद निकलने वाला होगा। जाओ लक्ष, तैयार होके जल्दी आ जाओ। जी मैम। लक्ष, हमने माँ से झूठ बोला क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि माँ को हमारे झगड़े के बारे में पता चले। थैंक्स रागिनी, मैं भी नहीं चाहता था कि माँ को हमारे झगड़े के बारे में पता चले। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, अब पूजा शुरू करते हैं। अरे स्वरा अभी तक आई नहीं। ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं।
क्या हुआ स्वरा, तुम यहाँ क्यों रुके? स्वरा जल्दी आओ बेटा, पूजा शुरू करनी है। जी जाओ। चाचा जरा यहाँ आई, ये लिफाफा दुर्गा प्रसाद जी को दे दो। ठीक है। पार्सल पहुंच गया है। बाहर का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे मैं वही देखने जा रहा था मैडम, पर किसी ने लिफाफा दे दिया। अरे किसको देना है? मालिक साहब। अच्छा मैं दे दूंगी, तुम जाओ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.